यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास नाइन्थ के मैथ का एक्सरसाइज 1.5 और 1.5 का सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। अब क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपको बोला जा रहा है कि बताए कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय संख्या है, मतलब परिमेय और अपरिमेय में हमको अंतर यहाँ पर यदि समझ में आता है तो हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। तो पहचानने का हम तरीका भी बता देते हैं कौन परिमेय होगा कौन अपरिमेय होगा। देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है। अच्छा क्वेश्चन के ही बारे में बात करें, ऐसा नहीं क्वेश्चन के बारे में नहीं बात करें, क्वेश्चन को थोड़ा डीपली हम समझ लें तब तो तुम खुद से कर लोगे, फिर हमको बताने की जरूरत ही नहीं होगा, इसलिए आओ समझो। सबसे पहले देखो पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में यदि तुमको नहीं पता है तो उसको समझो। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है? पूर्ण वर्ग संख्या होता है ऐसी संख्या होता है जो खुद के मल्टीप्लिकेशन से निकल के आता है, खुद को दो बार गुना करने से निकल के आता है, वो पूर्ण वर्ग संख्या होता है। जैसे कि देखो 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4, 5 × 5, ये जो भी संख्याएं आएगी यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 16 आएगा और यहाँ पर 25 आएगा। अगर पूर्ण वर्ग संख्याओं को रूट में रखेंगे तो वो परिमेय संख्या होगा। जैसे कि अगर रूट 4 में कर दे, रूट 9 कर दे, रूट 16 कर दे, रूट 25 कर दे, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो इस पर रूट लगाते हैं तो 2 है, 1 2 बाहर आएगा। इस पर रूट लगाते हैं 3 2 है, 1 2 1 3 बाहर आएगा। इस पर रूट लगाते हैं 4 2 है, 2 4 है, 1 4 बाहर आएगा। और इस पर 5 2 5 है, 1 5 बाहर आएगा। तो ये तो हो जाता है परिमेय संख्या, जैसे ही रूट से बाहर निकला मतलब परिमेय संख्या। लेकिन अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जैसे कि हो गया 3 5 7 11 15 17 22, ये सारी संख्या अगर ये रूट के अंदर में फंसा तो ये अपरिमेय हो जाएगा। कहने का मतलब √3, √5, √7, √11, √15, √17, ये सब क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। समझाने का क्या मतलब था? मेरा समझाने का मतलब ये था अगर कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अच्छा पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है मैंने तुमको बता दिया। अगर कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो वो रूट के अंदर में फंसेगा, और रूट के अंदर में फंसेगा मतलब उसका काम तमाम वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। पहली बात तो ये समझना है। दूसरी बात हमको समझना है, अगर हम लिखते हैं परिमेय संख्या और प्लस माइनस अपरिमेय संख्या तो ये होगा अपरिमेय। क्या होगा? अपरिमेय। उदाहरण ले लेते हैं जी, उदाहरण ले लेते हैं और इसी के साथ तुम्हारा पहला क्वेश्चन, पहला और दूसरा प्रश्न बन गया, देखना गौर से। यहाँ पर देखो उदाहरण, पहला नंबर जो प्रश्न है हमारा 2 − √5 है, 2 − √5 है। हमने कहा परिमेय अपरिमेय को जोड़ेंगे अपरिमेय होगा, परिमेय और जो अपरिमेय को घटाएंगे अपरिमेय आएगा। परिमेय और अपरिमेय को घटाने पर हमको ये जो आ रहा है नंबर्स, ये हमारा अपरिमेय दे करके जाएगा। क्या है? अपरिमेय होगा, ठीक है। फिर से देखो हमने क्या कहा, परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय माइनस में अपरिमेय। हमने ये नहीं कहा कि अपरिमेय प्लस अपरिमेय और अपरिमेय माइनस अपरिमेय अपरिमेय, ये हमने कदापि नहीं कहा, क्योंकि ये बोलेंगे तो फिर हम खुद ही गलत हो जाएंगे। क्यों गलत होंगे? दूसरे वाले प्रश्न में यहाँ पर इसका उत्तर मिलेगा। देखो यहाँ पर 3 + √23 ये परिमेय है, 3 + √23 ये परिमेय है। लेकिन अगर यहाँ से ये कर दे कि −√23 तो ये भी अपरिमेय है। तो अगर हम अपरिमेय और अपरिमेय को जोड़ते घटाते हैं, कहने का मतलब अपरिमेय प्लस माइनस अपरिमेय, तो बउवा ये कुछ भी हो सकता है। मूड खराब हुआ इसका तो परिमेय भी होगा, और मूड खराब हुआ तो इसका अपरिमेय भी होगा। इसका मन मर्जी वाला बात है, ठीक है। इसको देखो सॉल्व करो, 3 + √23 ये है, माइनस में √23 है, 23 से 23 घटाएंगे लड्डू 0। अब बच रहा है हमारे पास 3, और 3 हो जाएगा हमारा परिमेय। यही बोल रहे थे हम तब से तुमको, इसके मूड पे डिपेंड है। ठीक है मूड तो परिमेय, नहीं ठीक है तो अपरिमेय। चलो जी ये दो बातें तुमको समझ में आ गए, बहुत बढ़िया। अब देखो अगर परिमेय और गुने अपरिमेय करें तो ये होगा अपरिमेय। फिर वही बात बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, एक परिमेय एक अपरिमेय मिलके अपरिमेय हमेशा बनेगा, ये फिक्स है, इसमें कोई दिक्कत तुमको नहीं आनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो
हम दो को गुना कर रहे हैं रूट तीन से, दो परिमेय है, रूट तीन अपरिमेय है, दो रूट तीन अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इस फॉर्म में जितने भी नंबर्स आएंगे, दो रूट तीन, तीन रूट तीन, पाँच रूट तीन, सात रूट तीन, सात रूट इक्कीस, जो भी आएगा वो अपरिमेय होगा। देन अगर हम करते हैं, गौर से देखना, परिमेय बट्टे अपरिमेय या अपरिमेय बट्टे में परिमेय, मतलब भाग देते हैं परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग दो या अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग दो तो वो अपरिमेय संख्या होगा। क्या हो जाएगा? वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ कंक्लूजन यहाँ से निकल के आया। तो हमारे यहाँ से जो प्रश्न को देख लेते हैं, चलो जी अब हम एक एक करके क्वेश्चंस को देख लेते हैं, वो भी कारण सहित कि हमारा परिमेय होने वाला है कि अपरिमेय होने वाला है। आ जाओ पहले नंबर का प्रश्न देख ले। क्या है हमारे पास? दो माइनस रूट पाँच होगा तो अपरिमेय। क्या होगा ये? अपरिमेय। क्यों? क्योंकि परिमेय माइनस परिमेय और या ऐसे लिख दो ना, क्योंकि क्या लिखेंगे? परिमेय संख्या इसमें से घटाएंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, तो हमारा जो निकल के आएगा वो अपरिमेय संख्या निकल के आएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। दूसरा वाला तो हमने किया है, फिर भी देख लो। तीन प्लस रूट तेईस है और यहाँ से माइनस में रूट तेईस है। तीन प्लस रूट तेईस और माइनस रूट तेईस, कोष्ट को हमने हटा दिया। रूट तेईस से रूट तेईस के बच रहा है वो तीन, वो परिमेय संख्या, इसलिए परिमेय संख्या होगा। तीसरा वाला प्रश्न देखते हैं। देखो यहाँ से दो रूट सात है बट्टे में सात रूट सात है, रूट सात से रूट सात कैंसिल हो जाएगा, बच क्या रहा है? दो बट्टा सात, जो कि हमको स्पष्ट पता है क्या है? परिमेय है। चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे, एक बट्टा रूट दो, एक बट्टा रूट दो। अब यहाँ पर क्या है? ये तो होगा अपरिमेय, लेकिन क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम परिमेय को अपरिमेय से भाग दे ले तो ये होता है अपरिमेय। ये रीजन में अगर रीजन पूछेगा तो रीजन भी तुम क्या कर सकते हो, इस प्रकार से बता सकते हो। देन पाँचवें नंबर का प्रश्न देखो, यहीं पर कर लेते हैं। टू पाई है, अब देखो ये पाई जो है ना वो क्या है? अपरिमेय है, तो अपरिमेय को परिमेय से गुना करेंगे तो ये निकल के आएगा अपरिमेय। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर लिख सकते हैं परिमेय गुने अपरिमेय बराबर होता है अपरिमेय। ये हमारा यहाँ से रीजन यानी कि कारण हो गया। चलो हो गया जी, पहले का पहले नंबर का क्वेश्चन फिनिश।